वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा 2024 को शुरू होने में अब कुछ समय बचा है। 29 जून से जो है ये वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। हम अभी श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में हैं और यहाँ पे लंगर सेवा जो लगाते हैं उनका आना शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ ऐसे लंगर सेवा लगाने वाले हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइए सर, कहाँ से हैं आप और कितने समय से आप ये लंगर सेवा लगा रहे हैं? रायसीनगर से हैं। यहाँ श्रीनगर शिव शक्ति सेवा दल और श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति रायसीनगर दोनों मिलके लंगर लगाते हैं। हम यहाँ पे जो लोकल हरि सिंह स्टेट में शिव शक्ति सेवा दल का ऑफिस है नरनगर में, उनका यहाँ पे सहयोग है हमारा उनके साथ, तो हम रायसी नगर श्री गंगानगर से आते हैं। कितने कितने कुल टोटल मेंबर्स आते हैं आपके साथ? हमारे इस साल 54 मेंबर आए हैं, 54 मेंबर आए। हर साल इतने ही आते हैं, 50-60। अभी ये 20-25 दिन रहेंगे, 20 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा हमारा, तो दूसरे ग्रुप में 30-35 लोग रहेंगे। यहाँ से ये जो आए हैं अभी इनको शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे। और लंगर में कम से कम हमारा 25-30 लाख रुपए का खर्चा आता है। और यात्रियों की सुविधा के लिए हमने हर तरह हर संभव कोशिश करने की कोशिश की है। हर बार हमने मतलब उनकी सहूलियत बढ़ाने की कोशिश की है। तो जैसे हम सारा कुछ हमारा फ्री है, कुछ भी हमारा चार्ज नहीं है, तो लंगर में हम जैसे दाल सब्जी चावल रोटी मिठाई वगैरह सब कुछ देते हैं। सुबह नाश्ता चाय पानी और उसके बाद शाम को कंबल का वितरण होता है। ये सारी व्यवस्था हम यहीं पे करते हैं। आपकी बताइए कहाँ से आप, और ये चीज बताई जा रही है कि जो अमरनाथ यात्रा है एक भाईचारे की मिसाल पहले दिन से रही है, जब बहुत समय इनफैक्ट यहाँ तक की ये बात जो है स्पष्ट की जा रही है कि राज तरंगी जैसे एक पुराण में जो है शिवलिंगम का जिक्र है, उसके बाद यहाँ पे एक कश्मीरी ने उसको खोजा, तो क्या माहौल आपको लगता है आप बार बार यहाँ पे आते रहे हैं, क्या कभी ऐसा कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है, अच्छा माहौल है। हम पिछले 30 सालों से इस रूट पे हमारी संस्था लंगर लगा रही है, हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है और अच्छा कोऑपरेशन रहता है। 2015 से हम पंथा चौक पे लंगर लगा रहे हैं, आज तक हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का नहीं सामना करना पड़ा है। और बहुत यहाँ के लोग अच्छे कोऑपरेटिव हैं, सभी कोऑपरेट करते हैं, हम मिलकर भाईचारे से लंगर लगाते हैं। जो दिन रात हम एक करके सेवा में लगाते हैं, पहले हम वहाँ से चंदा एकत्रित करते हैं, फिर हम यहाँ आके लंगर लगाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिला है, ऐसी कोई भी यहाँ बात नहीं लगती। क्या लगता है जितना उत्साह और कह सकते हैं जोश है यात्रियों में इस साल रिकॉर्ड कायम हो? इस साल बहुत जोश देखने को मिल रहा है, जैसा कि प्रशासन ने बहुत ही सुविधाएं अच्छी कर दी है, सुरक्षा से भी और लंगर के लिए भी परमिशन वगैरह के लिए अच्छी सुविधा की है, जैसे यात्री निवास भी बन रहे हैं, तो सुविधा बढ़ रही है, तो बहुत बढ़ रहे हैं। और इस बार तो रजिस्ट्रेशन भी रिकॉर्ड हुए हैं, तो इस बार उम्मीद है यात्रा और भी अच्छी होगी। भोले बाबा के भक्तों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ लंगर वाले थे जो कि राजस्थान से यहाँ पे पहुंचे हैं। इनका साफ कहना है कि जो सुविधाएं बेहतर की गई हैं उससे निसंदेह यात्रियों की संख्या में एक रिकॉर्ड जो है कायम होगा। कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से, और इसकी तैयारी अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कही टाइम से, हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 5,000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है, उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्री इसका स्टे कम्फर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़ी ही अच्छे तरीके से होगी, और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आम सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा शामिल करते हैं इस चीज़ को, ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूं कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर फंक्शन होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे और हमारी पूरी टीम जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है, इधर हम लोग जो अमरनाथ श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। हम श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इस परिसर को सुरक्षा के
कहा जा सकता है कि एक चादर में लपेट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो बिल्कुल कड़े प्रबंध किए गए हैं। बता दें आपको कि इस वर्ष जो है एक चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने ये भी है कि जो जम्मू में शिवखोरी में हादसा हुआ उसके बाद से कहा जा सकता है, जो मिलिटेंट हमला हुआ इनफैक्ट, तो उसके बाद से कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा है उसको चौकन्ना रखा गया है। इस वर्ष जो है 20,000 अधिक सुरक्षाकर्मी जो कि सेंट्रल फोर्सेस के हैं वो इस पूरी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अगर हम कहें 38 कंपनीज ऐसी होगी, 38 टीम्स जो है वो ट्रेनड माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये कहा जा सकता है कि जो ये अमरनाथ यात्रा है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है तो विशेषकर जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी एक भूमिका जो है वो बनती है। और इस वर्ष जो है पहली बार 38 टीम्स ऐसी रखी गई है जो विशेषकर ऐसे महारत रखती है जो कि माउंटेन स्किल्स में या माउंटेन रेस्क्यू ऑपरेशंस में महारत रखती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप को भी अभी तैयार किया जा रहा है और यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ यात्री जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वर्ष निस्संदेह यात्रियों की संख्या बिल्कुल जो है रिकॉर्ड तोड़ने के जो एक अंदाजे को बयां कर रही है क्योंकि सुविधाएँ बहुत बढ़ा दी गई है। और विशेषकर प्रशासन का ये भी कहना है कि जो विभिन्न जगहों पर जैसे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में भी अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये नया यहाँ पे यात्री निवास बना हुआ है, ये 5 स्टोरीड बन रहा है लेकिन 2 स्टोरीज इसमें फंक्शनल की जा रही है। और विशेषकर कहें तो इनको लेकर कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है यात्रियों की सुविधा के लिए ये काम किए गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं और हमने निस्संदेह बता दिया कि सुरक्षा को लेकर जो है चिंता और जो चुनौती रहती है विशेषकर अमरनाथ यात्रा को लेकर, और जबकि जो धार्मिक यात्रा शिवखोरी में उस पर हमला हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं एक जो चुनौती है जो चिंता है वो बढ़ गई है और उसको जो है ज़ीरो करने के लिए जो है विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज मिलकर जो है एक साइनर्जी से काम कर रही है। और विशेषकर कहें तो हाईवेज पे भी CCTVs और राज जो है वो लगा दिए गए हैं और निस्संदेह ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है किसी भी अप्रिय घटना के बगैर की जाए। मेरा जमा टीवी भारतवर्ष श्रीनगर।